जब से सुम्बुल तौकीर और शालीन भनोट का रिश्ता निशाने पर आया है, तब से ही हैरान करने वाली चीजें देखने को मिल रही हैं। पिछले हफ्ते बिग बॉस में वीकेंड के वार पर सलमान ने सुम्बुल और शालीन के रिश्ते पर बात की और कहा था कि सुम्बुल शालीन को लेकर ऑब्सेस्ड है, एक्टर को दूर रहना चाहिए। सुम्बुल के पिता तौकीर खान ने भी कई मौकों पर बेटी को समझाया है, लेकिन हाल ही में एपिसोड में सुम्बुल को समझाने के चक्कर में वो टीना और शालीन को कुछ ऐसे अपशब्द बोल गए जिसके कारण सोशल मीडिया पर खूब उनकी बेइज्जती हो रही है। सुम्बुल के पिता तौकीर खान ने बाद में टीना की मम्मी से माफी भी मांग ली, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी कह दिया जो हैरान करने वाला है। मैं आपको बता दें, सुम्बुल के पापा ने हाल ही में सुम्बुल से फोन पर बात करते हुए कहा था कि शालीन और टीना गंदे हैं, गालियां देते हैं, उन्हें नेशनल टीवी पर उनकी औकात दिखा दो, टीना के मुंह पर लात मारो। ये सब बातें देखकर टीना और शालीन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए थे। इसके बाद सुम्बुल के पिता ने टीना की मम्मी से माफी मांग ली थी और कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या क्या बोल गए, क्योंकि उनकी हालत खराब थी और वो आईसीयू में भर्ती थे। पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो सुनाने बैठ गए तो माफी मांगते मांगते दिन गुजर जाएंगे। तौकीर खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शालीन ने उनकी बेटी को प्लानिंग करके अपनी ओर कर लिया और फिर उसका फायदा उठा लिया। टीना और शालीन मिलकर सुम्बुल को बहला रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तौकीर खान ने कहा कि उनकी बेटी सुम्बुल इमोशनली शालीन और टीना पर यकीन करती है। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।